मैं बहुत खुश हुआ इतने लोग ज्योतिष को प्यार करते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग। आई एम वेरी मच। अभी कभी कभी तो लोग रास्ते में मिल जाते हैं कि आपका नाम कुमार जोशी है। हाँ सर, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ कौन मेरी चैनल देखता है, पहले मेरे को ईमानदारी से बताओ यार। काफ़ी लोग देखते हैं। ये लोग ताकत है हमारे लिए, बहुत ताकत है। आप लोग हमारे लिए बहुत ताकत है। एक आदमी सच लेके जी नहीं सकता ऐसा, जब तक उसको लगता नहीं कि ये रास्ता सच्चा है। हाँ डेफिनेटली मेरे घर पे लोग मुझे बहुत मानते हैं, बाहर नहीं मानते, वो तो जाने, बाहर तो मानते ही मानते हैं। घर पे ये लोगों का इंतजार करना पड़ता है बुरा वक्त कब आएगा। बहुत आसान है ज्योतिष में, बुरा वक्त 6-8-12 से गया लग्नेश की गया खड्डे में आदमी, सीधी सीधी गणित है। और आप लोग जो क्लास में पढ़ते हैं ज्योतिष ज्योतिष में, उसमें और हकीकत की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पहले तो मैं थैंक्स करता हूँ उमेश जी का, इन्होंने फ़ोन किया मेरे को, बोला राव साहब है हमारे प्रेसिडेंट। मैं राव साहब को तो मैं सोचता बहुत बड़े आदमी, राव साहब को आज देखा, राव साहब के साथ मैंने अपने जैसा पाया मैंने राव साहब में, कि वो बहुत बड़े आदमी तो है ही। यहाँ आकर मेरे को बहुत लगा कि नहीं वो सच में ही बड़े हैं यार, बहुत इधर उधर। आप दोनों का मैं सच में थैंक्स करता हूँ। ये पूना है जिसने हमको रिकग्निशन दिया, ये पेशवाओं की धरती है यार, ब्राह्मणों की धरती है। यहाँ ब्राह्मण बहुत है और पेशवा बाजीराव अपने घर में ही हार गया, आपने बोला ऐसा। हम लोग ज़्यादातर, मेरी गली में किसी को नहीं पता है कि मैं क्या करता हूँ, क्या करता हूँ ये किसी को नहीं पता होता। ज्योतिष ऐसा चीज़ है। तो आप बेसिकली जो लोग ज्योतिष जानते हैं, ये जो बुनियादी लोग बोलते हैं आपके छत पे पैसे की बारिश होगी, वो सब बकवास करते हैं। मैं सबके लिए नहीं बोल सकता, पब्लिक में बोलना शोभा नहीं देता, बट आपके बेच चार्ट में भी दम चाहिए। और मैं ट्रांजिट को लग्न से देखता हूँ, चंद्र से देखो ही मत, ये सजेशन देता हूँ। जो लोग चंद्र से ट्रांजिट देख रहे हैं, गोचर देख रहे हैं, पहली बात है खड्डे में जाने का काम कर रहे हैं। कभी भी ट्रांजिट गोचर अपने लग्न से देखो। मैंने आते ही उमेश भाई को सबसे पहला सवाल पूछा, आपका लग्न कौन सा है, बोला तुला लग्न है, बढ़िया काम। कभी भी एक आदमी को पहचानना है अपने लग्न से, 6-8-12वां लग्न मिलता है तो उसको खड़ा ही मत करो अपने करीब। शायद मेरे वीडियो देखते हो, पहली बात है कि देखो कोई भी चीज आप ज्योतिष को जानते हो, अभी तो मैं जो बोलूंगा वो पल्ले पड़े या ना पड़े। अभी एक सीनियर ने अभी कुछ पीएफ के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी, तो ही टोल्ड मी के जोशी जी को पूछो, यस टोल्ड मी इन इंसल्टिंग टोन दैट मिस्टर जोशी इज अवेयर हु विल डाई एंड व्हेन ही विल डाई। तो उनको पूछो, क्योंकि पीएफ में ऐसा 70 साल जियोगे तो फायदा होगा, 70 साल से ज्यादा जियोगे तो फायदा होगा। तो मैं उनको बोला कि सर मैं जो बात कर रहा हूँ ये शायद 12 साल तक आपके पल्ले भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बेसिक रूल आपके समझ में आने पड़ेंगे, उसके बाद की बात। तो वो बात की बात है, एस्ट्रोलॉजी कृपा है भगवान की। और आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखो कि अपना लग्न पहले देखो। अगर आपको, मैं ऐसे बहुत लोग देखता हूँ अपना लग्न ही पता नहीं, लग्न पता नहीं उसका काम नहीं कितना। और लोग मेरे को बोलते हैं आप मेरा लग्न ढूंढ के दो, अभी 2 घंटे का टाइम होता है, लग्न कोई 2 घंटे में ही बदली होता है, 2 घंटा बड़े तो बड़ा गणित है। आप अंदाजा तो ले सकते हैं ये दिन को पैदा हुआ है, रात को पैदा हुआ है, तारीख से अंदाजा ले सकते हैं सूर्य कहाँ है। देखिए चतुर्थान में सूर्य, आधी रात का जन्म है, कर्मस्थान में सूर्य है, बौपहर का जन्म है, सप्तम में सूर्य है, शाम का जन्म, हमारा सीधा सीधा गणित है। अब ये भी बहुत अभी के ज्योतिषों को जो जल्दी जल्दी ज्योतिष नहीं बना जा सकता। ये ज्योतिष को एक जमाने में ऐसा आया था कि ये सारे किताबें हमने छोड़ने का तय कर लिया, क्योंकि लोग बहुत उम्मीदें लेके ज्योतिष के पास आते हैं, आधों के पास कुंडलियां नहीं है। मैं जो बोलता हूँ ये मानना नहीं है, आपको कल से पाप की गठरी की दुकान बंद करनी, वो तो करनी नहीं है। अभी गुरु राहु चांडाल योग होगा तो किसको लाभ होगा, ये राहु वालों को लाभ होगा। चांडाल, चांडाल नाम ही हमारे जो पूर्वजों ने दिया है, तो गुरु भी अपना रोल करेगा। राहु किसी का मित्र नहीं है, राहु किसी का दोस्त नहीं, राहु मतलब एकदम फ्रॉड पर्सन। जिसके भी लग्न में राहु हो, मैं यहां बैठे होंगे लोग बोलेंगे यार वेरी सरप्राइज, मैं सच में भरोसा नहीं करता उस पर। चतुर्थ में राहु हो उस पर भरोसा नहीं करता मैं, मन के अंदर राहु है उस पर भरोसा नहीं कर सकता, करना ही नहीं चाहिए। आप आपके आजू बाजू देखो, जिसके चतुर्थ में राहु है उसके मन में सदैव अशांति होगा, और ये राहु का खेल है ही है। मैं आपको मंथ वाइज लग्न वाइज देने की कोशिश करूंगा पूरा। देखिए ये जो राहु गुरु चंडाल योग के बारे में लोग बोलते हैं, आप देखें मैं पर्टिकुलरली डेटा के बिगर बात नहीं करता, जनरली आप खुद अपने लाइफ में इंसिडेंस देखने की कोशिश करो। 26 जून 2016 में एग्जैक्टली सिंह राशि में 22 डिग्री पे ये युति हुआ था, एग्जैक्टली सिंह राशि में 26, मतलब हर 7 साल से ये युति होता है। लोग ऐसा डराते हैं युति हो रहा है, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, आप मर जाएंगे, आपका गला घोट दिया जाएगा, ऐसा डराते हैं। ऐसा डरने की तो कोई बात है ही नहीं। अगर आप सच्चाई के रास्ते पे भगवान का नाम लेते हो, बोगसबाजी नहीं करते हो,
तो डेफिनेटली राहु कुछ नहीं बिगाड़ता। आप राहु गुरु चंडा लियोगे, गुरु को वो शोषेगा जरूर, गुरु को फंसाएगा। अभी देखिए मेरे, आप कर्मस्थान को हमेशा देखें, कर्मस्थान से कर्मस्थान को भी जरूर देखें। अभी आपके डेटा को खुद चेक करें, मैंने एक तो 26 जून 2016 बोला 22 डिग्री का था, 22 डिग्री में दोनों का क्लबिंग हुआ, और अभी 10 फरवरी 2009 में भी ऐसा युति हुआ था, ये मकर राशि में होता। तो आप अपने स्टडी करें डेटा को वेरी फर्स्ट थिंग के क्या हुआ होगा। अब क्या होगा ये मैं आपको अंदाजा देता हूं। उसमें देखिए अभी फिलहाल 27 मई से 30 मई है, एग्जैक्टली पक्का युति 8 डिग्री पर होगा, 8 डिग्री पर ये युति होगा, और वो केतु का ही नक्षत्र है अश्विनी में, ये युति होगा। अश्विनी राहु का ही चेला है, गुरु केता दोनों, किसी को बच्चे नहीं होते तो लोग हमारे पास सवाल लेके आते हैं। देखिए हम मैचिंग करते हैं, हम हजार चीज देखते हैं। षडाष्टक लग्न से मैं ना ही बोलता हूँ, वेरी फर्स्ट थिंग, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं लग्न से षडाष्टक होगा तो मैं ना बोलता हूँ। बिया बारू यानी कि ड्यू सेकेंड ट्वेल्थ रिलेशनशिप है, वो आपके गए जन्म का संबंध है। अगर आप सेकेंड ट्वेल्थ को आप ऑब्जर्व करें, मैं जो बोलता हूँ ये कन्फर्म बात है, आप सेकेंड ट्वेल्थ गए जन्म का वो हिसाब लेके आएगा। एक पार्टी जिंदगी भर देता रहेगा, एक पार्टी लेता रहेगा। सो अपने से सेकेंड हाउस में अपनी बीबी मिल गई तो ठीक है, लेकिन अगर बारहवें में बीबी मिल गई तो सिर्फ बेडरूम की बात है, बाकी दिन भर झगड़ा करते रहो, आप कमाओ वो उड़ाएगी, बात खत्म। और ना आप बोलोगे कोई सुनेगी नहीं, बारवा हो तो। अभी जब भी हम बच्चा नहीं है कोई ऐसा बोलता है तो अभी देखते हैं गुरु कौन से नक्षत्र में है। 99% मैंने 10,000 से ज्यादा कुंडली देखा मेरे घर में, इतना कुंडली का रद्दी में दिया तो 500 रुपया मिला, इतना कुंडली का जेरोक्स 500 रुपये का रद्दी बेचा मैंने। कि घर छोड़ा है, रेंटल घर में रहता हूँ, चतुर्थ है 6 में, मेरा फोर्थ लॉर्ड शनि है 6 में, तो मैं भाड़े पे रहता हूँ, और वो कृपा नहीं हुई अभी तक, तो वो ठीक है जो है वो है। तो मैंने इतना रद्दी दिया, तो मैं यही बोलता हूँ कि आप कभी भी कोई कुंडली को देखते हैं, आपका अपना जिंदगी आप ज्योतिष से जीते हैं क्या? पहली बात देखिए, अभी इन्होंने उमेश जी ने बताया मेरे को कि जोशी भाई अभी मिथुन लग्न चालू होगा, हम नीचे बैठे थे, लाइट नहीं था, तो मैं भी यही सोच रहा था कि इतना बड़ा मेहनत किया है राव साहब ने, और ये मेरे को भी छुपता है कभी कभी, कोई लोग हमसे उम्मीद लेके आ जाते हैं घर पे कि भाई हमको कुछ रास्ता दिखाओ, और हम रास्ता नहीं, तो मैं सोच रहा था, ये बोला मिथुन लग्न अभी हो रहा है, तो मैं हमेशा देखिए ये साथ में रखता हूँ। तो मेरे लोग ऑफिस में भी साथ में काम करते हैं, वो भी बोलते हैं तू पत्रिका भगत अशी, मैं पत्रिका मी ज्योतिषा मी बघणारस, माझा केव्हा बॅड टाइम येतो ते मला कळावंच लागेल। जो लोग बोलता है कि आपली पत्रिका बघायची नाही, मैं उनको समझता हूँ डरपोक है, यूजलेस है। आप एक इच्छा मृत्यु जैसी चीज हम ज्योतिषों के पास है। देखिए ब्राह्मणों की ये विद्या है, अभी लक्ष्मी जी के जाके विष्णु जी के छाती पे लात मार दिया ऋषि जी ने, ये भृगु ऋषि ने, और विष्णु लक्ष्मी जी ने बोला मैं तुम्हारे घर में वास नहीं करूंगी ब्राह्मणों के। भृगु ऋषि ने बोल दिया कि भाई मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा। सरस्वती का वरदान हो, ज्योतिष का वरदान हो, ज्योतिष भूखा नहीं मरेगा। थोड़ा तो थोड़ा, भले पोपट उड़ाएगा, भले राशि बोलेगा, लेकिन वो पेट तो भरेगा। ये भृगु ऋषि की पूरी पूरी कृपा है। और मैंने मेरे, आप जो लोग ज्योतिष को देखिए थोड़ा थोड़ा देखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप उसमें वास्तु भी काम करता है, आपको अमीर बनना है, लोग सबको अमीर बनना है, अमीर बनना है। मैंने बोला एक गुरु राहु चांडा लियोगे, कर्म अच्छे करोगे तो होगा। आपको अमीर कौन बना सकता है? एक वास्तु बना सकता है। अगर अमीर बनना है तो आपका वास्तु दमदार होना चाहिए, वेरी फर्स्ट थिंग। अगर वास्तु आप नया वास्तु लेते हैं तो ज्योतिष को पहले पूछो, पानी पीने के बाद घर मत पूछो कि हाँ घर कुटला भाऊ, हाँ भामना सा घर ना है तो गेला पानी, ऐसा नहीं। पहले मेरे को बताओ या मेरे को पूछो। मैं वास्तु के लिए कहीं कंसल्टिंग के लिए जाता ही नहीं, क्योंकि मैं एक जगह पे वास्तु कंसल्टिंग के लिए गया, मेरे को नीचे रुक दिया, सिक्योरिटी ने बोला आप ऊपर नहीं जा सकते, वो फोन नहीं उठा रहे हैं, इट वॉज अ टावर। एंड आई फील सो इंसल्ट कि हम यार इतना नॉलेज रख के ये कटोरा लेके भिखारी की तरह क्यों खड़े हो गए। एंड आई टोल्ड दैट फेलो, मैं चला गया। फिर वो मेरे को बहुत कॉल किया, जोशी जी आप उतर जाओ जहाँ है। मैं बोला नहीं भाई, हम कोई पुण्य किया, तेरे दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गया और तू देता 2-5 हजार रुपया, इससे मेरा घर नहीं चलता, ये तो तेरे को भ्रम है, तू अभी कोई दूसरे ब्राह्मण से अच्छा बर्ताव करना। और यही मेरा तरीका है भाई काम करने का, मैं अभी किसी के पास वास्तु के लिए जाता नहीं, लेकिन मैं वास्तु का बुक भी नहीं लिखा। देखिए बुक दुनिया में सफिशियंट है, कोई भी बुक, मेरे को लोग बोलते हैं आप बुक लिख दो जोशी जी, बुक नहीं लिखता मैं। अब ये वास्तु यूट्यूब में बोलेंगे ओशो की तरह, जिसको सुनना है सुने, नहीं सुनना है नहीं सुने, लेकिन मैं लगभग, मेरे को 4 लाख लोग 4.5 लाख लोग देखते हैं, और 4.5 लाख लोगों को यू कैन चीट 1 man for 1 time, 2 man for 2 time, यू कैन नॉट चीट ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। आप सबको हमेशा नहीं फंसा सकते, और ये फंसाने की बात नहीं, मैं तो जीता हूँ। देखिए मेरे पप्पा का अभी कुंभ लग्न था, पप्पा जनवरी 2020 में, मैं पहले पप्पा भाई को बोला कि पप्पा का कुंभ लग्न है, पप्पा भगवान के घर जाएंगे, क्योंकि 86 ईयर हो गया, बहुत जिया पप्पा, पप्पा का कुंभ लग्न है, पप्पा एग्जिट लेगा। तो पप्पा ने लिया ही मकर के शनि में,
मकर का शनि गया लग्नेश 12 में, पप्पा एग्जिट लिया, और अमिताभ बच्चन भी कुंभ लग्न है, लेकिन अमिताभ बच्चन लास्ट देखो अभी इतने सालों में, लास्ट 2.5 साल में कोई बहुत बड़ा पिक्चर दे नहीं दिया, अभी आ रहा है शनि कुंभ में आ गया, अभी देखो पिक्चर देगा। तो लोग बोलते हैं आप ज्योतिष, ज्योतिष बहुत कुछ जवाब दे देता है, जिसको ज्योतिष जवाब नहीं देता, जिसको ज्योतिष जिंदगी से जोड़ना नहीं आता, अभी ज्योतिष जिंदगी से जितना जुड़ते जाए आपसे उतना अच्छा रिजल्ट देगा। आप ऐसा सोचते हैं, देखिए मैंने बेस्ट पीरियड ऑफ द लाइफ एक वीडियो बनाया, आप शायद कोई देखा हो नहीं देखा हो, अच्छी बात है। शनि और गुरु ये बड़े बड़े ग्रह हैं, जब भी शनि ऐसा मूवमेंट करता है, मैंने मेरे जिंदगी में देखा है, दूसरों से तो जाने दो, खुद से मैं कभी झूठ नहीं बोल सकता, जब मेरे पप्पा एक्सपायर हो गए, मेरा मकर राशि का सूर्य चतुर्थ में, और उसके ऊपर से ही शनि गया, पप्पा का मकर का शनि गया, पप्पा एग्जिट लिया, लेकिन ये एडवांस में मेरे को नहीं मालूम था, लेकिन मैं फिर भी भाई को बोला था पप्पा का ध्यान रखना है, और पप्पा ने जुलाई 2020 में ही एग्जिट ले लिया। वो तो मुझे अंदाजा था ही कि पप्पा ये शायद कोरोना नहीं शुरू हुआ था उसके पहले ही मैं बोला था, और ये हुआ। और ये जितना आप ज्योतिष को जोड़ते हो, शनि और गुरु का बहुत बड़ा मैचिंग है, मतलब शनि के ऊपर से आपका जिंदगी में जन्म का, अभी जैसे ही हम पैदा होते हैं तो गुरु घूमते जाता है, शनि के ऊपर से तुरंत जंप मारता है, फिर और 12 साल के बाद फिर से जंप मारता है, यानी कि अबाउट 24 के बाद जब दूसरा जंप मारता है गुरु शनि के ऊपर से, ध्यान में रखना, वो साल आपके जीवन में अच्छा होता है। मैंने उसमें एज वाइज लिखा है कि आपका कुंडली में शनि से गुरु कितने घर में, काउंट करो और वो करो, मैंने वो एक लिखा है, वो जरूर वीडियो देखिएगा, वो 101% काम करता है। अभी आपका जन्म का शनि शुक्र है, शुक्र सूर्य के ऊपर से तो शनि गया मतलब सत्यानाश हुआ ही, बाप गवाओगे, इज्जत गवाओगे, सब कुछ दाव पे, दोनों दुश्मन है शनि और सूर्य, वैसे ही शनि धीरे धीरे शुक्र के ऊपर से गया, बुध के ऊपर से गया, मुझे काफी अच्छा व्यापार, ये बोलना, ये सब ज्योतिष मेरे पास आया, और आगे और आया इसके ऊपर से, शुक्र के ऊपर से, मेरा शुक्र 29 डिग्री का है, लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थान लोग प्यार करते हैं, लग्नेश किसी का चतुर्थ में हो तो लोग उसको प्यार करते हैं, आपके घर में कोई भी लग्नेश चतुर्थ में होगा तो वो माँ का बहुत फेवरेट होगा, माता की कृपा होगी, उसका अपना घर होगा और दिल का वो बहुत साफ होगा, मेरा है इसलिए नहीं बोलता हूँ, लग्नेश चतुर्थ में होगा ऐसा आदमी दूसरे की सेवा करता है 100%, उसका जीवन दूसरों के लिए, लग्नेश सप्तम में होगा उसका भी, लग्नेश 12 में होगा उसका भी, ये तीन लोग गधे है, लग्नेश चतुर्थ में हो दूसरों का भला, खुद खाना नहीं है दूसरे खिला देगा, खुद पैसे की परवाह नहीं, लग्नेश 12 में वो कभी पैसा जमा नहीं कर सकता, अगर आपके पास कोई लग्नेश 12 में है उसका सगाई भी टूट जाता है, एंगेजमेंट भी टूट जाता है, रिमेंबर कभी भी लग्नेश 12 में जाता है उनको बोलने का एंगेजमेंट कभी पेंडिंग ठेऊ नका, तुम लोग मराठी लोगों में तो मैं देखता हूँ 10 दिन में शादियां होती है, तो वो इसका वजह ही ये सब है, सबका लग्नेश 12 में नहीं होता, लेकिन काफी झगड़े होते हैं मैंने देखा है, मैं महाराष्ट्र में ही बड़ा हुआ, लोग मेरे को पूछते हैं कि तुम्हें मराठी का, अरे भाई महाराष्ट्र में बड़ा हुआ है मैं मराठी हूँ, लेकिन मदर टंग गुजराती है, तो अभी फंस गया हूँ ना मैं, लेकिन मैं दोनों का हूँ, ऐसा मेरा जवाब होता है। तो आप शनि के ऊपर से जब भी कोई ग्रह प्लेनेट आपका मूव होता है जन्म का, उसको पहली बात हमेशा ऑब्जर्व करो। मैं अभी थोड़ी सी की देता हूं आपको, ये काम आएगा कीस, ये शायद आप जहां जहां लगाओगे ये कीस, ये तो स्टडी है, अभी तो मैं आपको राशि वाइज जो बताऊंगा ये आपको कि लग्न से कैसा मैं फल मैं सोच रहा हूं क्या देगा। एक मैंने बनाया था लक्की टोरस एंड बैड लक स्कॉर्पियो, मतलब देखिए जो स्कॉर्पियो राशि आपकी कुंडली में कहीं भी है वो मामले में आप बहुत मतलब बहुत बैड लक ही रहेंगे ना, जहां वृषभ राशि आती है वो राशि हमेशा देखो, वृषभ लग्न वाला आदमी खाओ पियो मजा करेगा, चल आइसक्रीम खाते हैं, वो ड्राइव लेके जाएगा, कार लेके जाएगा, वृषभ तुला और मीन जिंदगी जीते हैं ये तीन, वृषभ तुला मीन जिंदगी जीते हैं ये तीन, बाकी के यूजलेस। सबसे ज्यादा बेकार लग्न है मकर, सबसे ज्यादा, कुंभ का भी बाप है वो, कुंभ भी ऐसा ही है, कुंभ को तो क्या बीवी मिल गई अच्छी तो नैया पार, लेकिन मकर की तो नैया पार ही नहीं होती। अब मकर वाले कुंभ वाले मेरे को लिखते हैं, जोशी जी आप हमारा, हमने क्या दुश्मनी किया, अरे मेरा बाप ही कुंभ लग्न, मैं मेरे पप्पा का संघर्ष देखा, जो भी है वो बाप रे बाप मकर, मकर मतलब सामने से काम आएगा और एकदम संघर्षमय जीवन, क्योंकि शनि का जीवन है आनंद ही नहीं, उनके चेहरे पे देखो ब्लैकिश बना भी आता है, क्योंकि सर्च रिसर्च संघर्ष, खुद का स्वार्थ नहीं, काम ढूंढते आएगा, सांप किधर बैठा है, राहु साहब को आके काम मिलने वाला है, मकर है, काम करने को पैदा हुआ है, और उनका जीवन ऐसा ही रहता है। मकर और कुंभ को अच्छी बीवी मिल गई तो पार होते हैं। अभी उमेश जी के हाथ में मैंने देखा हार्ट, जो मनी लाइन है मून, मनी लाइन है वो मून माउंट से है, तो मनी लाइन मून माउंट से होगा, फॉरेन से जुड़े होते हैं वो लोग, आपका फॉरेन कंपनी भी होगा, फॉरेन से इनकम भी होगा,
डॉलर बुलर का इनकम भी होगा, होगा आपका। और बीवी बहुत किस्मत वाली है, विवाह के बाद ही दो पैर बराबर हुएंगे, लेकिन तुला लग्न है आपका तो बीबिया मंगल वाली होती है, वेरी एम्बिशियस, तय करेगी वो पूरा करेगी और आपका सुनेगी नहीं। तुला वाला, मेष वाला कोई भी हो, देखो तुला या वृषभ लग्न दिखेगा कैसा रोमांटिक, बहुत मजे का परफ्यूम डालेगा, गाड़ी में घूमेगा, शान की बात, अगर चम्मच बटन दबाने से अगर चम्मच मुंह में जाता है तो बटन दबाने के लिए आदमी रखेगा। ये तुला लग्न और वृषभ लग्न का खूबी, काम करेंगे नहीं, आराम से दो तकिया लेके बिछा के बैठेंगे और उसी से बात बनती। तो ये वृषभ राशि आपके कुंडली में जहां भी हो वो पैसा देगा, आप लकी होगा। तुला लग्न वालों को तो अष्टम में आता है वृषभ राशि, हमारा ससुराल बड़ा अमीर, बैल की तरह काम करेंगे, तुरंत फ्रेश भी हो जाएगा, शनि का राशि है ना कर्मस्थान में, आप राशियां भी मत भूलो, लेकिन है मौजी देखो गला छोटा होगा, आप हो सकते हैं वृषभ, गला छोटा होगा, खाना बहुत खाएगा, बहुत खाना खाने का शौकीन होगा, खाने पे कंट्रोल नहीं, और मम्मी ऐसी रानी जैसी मम्मी होगी, क्वीन, मॉम इज लाइक ए क्वीन, ऐसा चलेगी ना आपकी मम्मी, मम्मी के तरफ से आपको सिर्फ सुंदरता मिली है, रूबाप नहीं मिला, रूबाप मतलब आप आंख बंद करके आपकी मम्मा को याद कर सकते हैं, वृषभ लग्न है तो उसकी मम्मी रानी होगी, बहुत रूबाप से ऐसी चलेगी, आप बोलेंगे आपकी मम्मी रानी है, बोलेगे हाँ बराबर ऐसा होना ही चाहिए। और सिवाय के कोई राहु जैसा ग्रह हुआ टपक गया, शनि जैसा, तो थोड़ा रिजल्ट डल कर देगा, लेकिन वृषभ लग्न सबसे अमीर लग्न है, वृषभ लग्न सबसे अमीर लग्न है। और लोग हिंदुस्तान का वृषभ भी बोलते हैं, कुछ लोग मकर भी बोलते हैं, लेकिन इसमें मकर होने की संभावना ज्यादा है हिंदुस्तान का, क्योंकि ये सुंदर लग्न है लेकिन मकर का ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादा आध्यात्मिक है, कर्क वाले लोग देखो बहुत आध्यात्मिक बेवकूफ है, कर्क वालों को ससुराल बहुत अमीर मिलता है, कोई भी कर्क लग्न का कुंडली देखो और आप सीधा बोलो तुमचा ससुराल लय अमीर अशेल, वो बोले बराबर है, कर्क लग्न वाली लड़की को भी ससुराल बहुत अमीर मिलता है, और वो लोग मैरिज लाइफ एडजस्टमेंट होता है, कर्क लग्न है सिंह लग्न है, कुछ पूछना है आपको पूछ लीजिए, कुछ नहीं मुझे आता है वो बोलूंगा, मैं तो स्टूडेंट हूँ ऐसा ही बोलता हूँ। हाँ 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 वो तो मैं बरसता हूँ, पूरा दिन देखता हूँ फिर बरसता हूँ, और एट ए टाइम मेरे दिमाग में 15-15 लोग घूमते हैं, 25-25 लोग घूमते हैं, कोई वृषभ है, हाँ है कुंभ लग्न, मतलब देखो कन्या लग्न मतलब आप कन्या लग्न का आदमी है ना कुंभ वाले को बहुत अच्छा, कन्या और कुंभ वाले है ना, कन्या कुंभ वाले बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, आपको भगवान ने बर्दाश्त करने का ताकत बहुत दिया, कन्या वाले को बहुत दिया, कन्या लग्न वाली बीवी आपका बहुत बड़ा परिवार है, 25 लोग का खाना बनाएगी, किसी को शिकायत नहीं करेगी, आप 100 रुपया देगा 100 में पटा देगी, आप बोलोगे कि चला आपल्याला हनीमून करायला जायचा है तो बोलेगी तुमचा बजेट किती है ते सांगा मला, तो तुमच्या बजेटवर करून देणार तुम्हाला ती कन्या लग्नची बायको 100%। और कुंभ लग्न है तो कुंभ लग्न देखो कुंभ लग्न को बीवी थोड़ा डोमिनेटिंग मिलता ही है, क्योंकि मैंने कुंभ लग्न का नजारा मेरे घर में ही देखा है, पूरे जीवन देखा है। ऐसा तो मैं ऐसा नहीं, ज्यादातर तो स्त्रियां राज करती है, तो हम 6-7 साल बीवियां छोटी लेते हैं कि जब तक एक समझ आ जाए तब तक 1-2 बच्चे हो जाए, फिर वो औरत अपने बच्चे की वजह से बिजी हो जाए, हमारा सेवा करे, बट कुंभ लग्न को ज्यादातर डोमिनेटिंग बीवी मिलती है, अमिताभ बच्चन का भी घर में नहीं चलता हो, जया भादुरी बहुत बार इसमें आ जाते हैं विवाद में, अब देखें कभी कभी देखें उनका, भले चाहे उनका फॉल्ट है या नहीं की बात नहीं है, लेकिन अमिताभ बच्चन डेफिनेटली बहुत कुंभ लग्नों को काम बहुत होता है। देखिए लास्ट 2.5 साल आपका फ्लॉप रहा, लग्नेश 12 में था, सुसाइड करने का विचार तक आया है वो लोगों को, कुंभ वाले को, अगर कोई बोलेगा मी कुंभ लग्न ने मला मराईची आठवण आली नहीं तो मैं समझता हूँ झूठ बोल रहा है, वो दिल से आपके सामने ओपन नहीं हुआ, ऐसा क्या जिंदगी जिएगा, ऐसा गधा जैसा जिंदगी, ऐसा लास्ट 2.5 साल गया, और जो जिंदगी में मजा आता है हम लोगों को, वृषभ लग्न वालों को, जो तुला लग्न वालों को मजा क्यों आता है, क्योंकि हम लोग का शुक्र का लग्न है, जहां भी जाओ मजा ही मजा है, हमारा षष्ठ 6वें स्थान में शुक्र उच्च का हो जाता है तो मजा ही है, 8वें स्थान में शुक्र हमारे घर का है, 12वें स्थान में राजी हो गए जय श्री राम, तो हम लोग तुला लग्न, भगवान तो मेरे को बोले कि अगर आपको कभी बर्थ चाहिए तो तुला लग्न में ही मैं पैदा होना चाहता हूँ, और आपको देखो आपके बच्चे है अपने से 5वां, 9वां, 7वां, 10वां, 11वां लग्न ही लेके पैदा होता है, अपने बच्चे अगर हमारे लग्न से 6, 8, 12 में पैदा हो गए तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, वो बच्चे आपको सुख कम देंगे, अष्टम में पैदा हो गया अपना, अष्टम में जो बच्चा है पैदा हो गया समझो, तो वो क्या होगा, अपन मरेंगे तब हाजिर होगा, क्योंकि मृत्यु के साथ रहस्यों के साथ उसका कनेक्शन आ गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं, किसी के पंचम में राहु है तो कपूत होता है, नालायक संतान होता है, अभी सिवाय गुरु से दृष्ट हो, बाकी राहु तो राहु ही है, मैंने राहु का ऐसा देखा है कि जो अभी मेरे बेटे का ही 5th में राहु है, 5th में राहु, हम तो ये सब पोल दूसरों की खोलेंगे तो लोग जूते मारेंगे, लेकिन ये बेटा है घर की बात है, तो ये हमने तय किया इसको जबरदस्ती, हमने सीए के एग्जाम में डाल दिया, हमने बोला बेटा सीए करेगा,
लाऊ का काम है इल्यूजन। जब ही अमृत मंथन हुआ लोग लाइन में खड़े हो गए कि भाई मेरे को अमृत दो, देवता लाइन में खड़े रह गए। राहु को चाल मालूम पड़ गया, राहु बेवकूफ बनने वाला ग्रह नहीं है, अपना हक छीन के लेगा। जो जितने राजकारणी है सभी राहु वाले, कर्मस्थान में राहु, राहु जिसको दस में दुनिया उसकी बस में, बिंदास झूठ बोलेगा, लग्न में राहु है बिंदास झूठ बोलेगा, कर्मस्थान में राहु है कुछ नहीं होगा उसको, चतुर्थ में राहु है उसका घर कभी नहीं बनेगा, स्मशान के पास घर होगा। चतुर्थ में राहु है तो कभी अपना घर में पहला नाम नहीं लिखने का, स्पाउस का नाम लिखने का, चाहे आपकी कुछ भी हो। मेरा चतुर्थ छह में मैंने बीबी का नाम से घर लिया, अपना नाम लिखो ही मत, लिखा तो नैया डूब गई। तो ये ज्योतिष को कितना आप जीवन में अजमाते हैं। मेरे बेटे का गुरु से दृष्ट है राहु, अगर राहु दृष्ट है तो हमने ये सोचा कि मैंने देखो एस्ट्रोलॉजर हूं तो अच्छा सोचता हूं, कि पापा सोचते हैं कि नहीं बेटा भले एक आध बार ब्रेक लेगा, बट नाउ ही इज फर्म दैट ही डोंट वांट टू डू द सीए। अब कुछ स्टार्स होते हैं, अगर वो कोशिश करता तो बात और थी, बट इस अभी उसका मेष लग्न है, कर्मस्थान में शनि की राशि है। हम ये भी देखते हैं हमारे जीवन में, देखिए मैंने विदेश यात्रा का भी एक वीडियो बनाया, बहुत मस्त वीडियो है। लग्नेश अगर 12 में जाता है, कर्मेश 12 में जाता है, लग्नेश 9 में जाता है। देखिए वृश्चिक लग्न का लग्नेश 9 में मैंने देखा है, नीच राशि का होता है। अगर उसको निजभंग राजयोग नहीं हुआ तो बैक टू टाउन होता है, फॉरेन से वापस आया, क्योंकि लग्नेश नीच राशि का हुआ नवम स्थान में। आपका कोई भी ग्रह उच्च का कोई भी स्थान में होता है, मेरे कर्म स्थान में कर्क राशि का गुरु है उच्च का, इसके लिए शायद ये कृपा उतर गई कर्मस्थान में। ये गुरु कर्क का होना भगवान की कृपा है, और वो कर्मकांड आता तो अमेरिका चला जाता, कर्मकांड जरा भी नहीं आता मुझे। और ये गुरु तो किताबें भी छोड़ दी थी फिर आ गई। तो आपको इस तरह से देखना है एस्ट्रोलॉजी को कि आप किस तरह से एस्ट्रोलॉजी का फायदा ले सकते हैं। और जो लोग बोलते हैं कि पत्रिका देख के काम नहीं करने का, झूठ बोलते हैं वो लोग। दक्षिणाभिमुख घर कभी नहीं लेने का, हो सके तो दो भाई काम साथ में होंगे तो दक्षिण होता है, वो दक्षिण के घर में औरतों का राज होता है, औरतों के नाम पे होगा तो ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं करता। दक्षिण का घर हो तो फीमेल के नाम पे टाइटल कर दो। आपका स्लॉटर हाउस है, फिर वो जो मुर्गी पालन केंद्र है मतलब मारना ही, या डेंटिस्ट है तो साउथ फेस होता है। साउथ फेस मतलब झगड़े की जड़, घर कभी साउथ फेस लेने का नहीं, घर में साउथ वेस्ट बंद ही होना चाहिए। आपके घर के सेंटर में खड़े रहो, वास्तु को थोड़ा सा समझे, हर चीज को समझो। अभी मेरे वीडियो जरूर देखिएगा, जो लोग ये सब कोर्सेस कर रहे हैं, कोर्सेस से आदमी ज्योतिष नहीं होता। आप मेरे साथ बैठ जाओ 3 महीना, आप ज्योतिष नहीं होगा तो मेरे को कम से कम मेरी मूछ तो निकाल देनी चाहिए, कम से कम। मेरे साथ जो लोग बैठते हैं वो लोग पंचांग लिए बिगर ज्योतिष है, वो लोग को पहले बोलेगा अरे जोशी भाई अभी गुरु बदल रहा है, मेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। कई पढ़ते हैं फिर बोलते हैं नहीं नहीं 6, 8, 12 नहीं है, ठीक है ठीक है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, सुन के चले जाते हैं। 6, 8, 12 से गुरु जाएगा। और किसको गुरु राहु चांडाल योग हुआ, अभी वृषभ लग्न को होगा 12वें स्थान में गुरु राहु, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम जो भी है, समझे आप इस बात, नहीं आप समझे इस बात को। वृषभ राशि, यस यस यस, वृषभ राशि बहुत शौकीन है, भगवान जन्म दे तो वृषभ तुला और मीन में ही ले लो। मीन लग्न को हमेशा, एक मैंने वीडियो बनाया था कि प्लेनेट आपके इनहेरिटेंस में उतरते हैं, यानी कि वारसे में उतरते हैं। यस यस यस, वीर्गो इज अ वेरी प्रैक्टिकल पीपल, वीर्गो इज अ वेरी बजेटिंग पीपल, वेरी प्रैक्टिकल पीपल। कर्मस्थान में जेमिनी साइन है, यानी कि उनके काम धंधे में दो जगह होता है, मतलब आपका नौकरी साइड में बिजनेस होना ही चाहिए, डबल राइड होगा, फैक्ट्री होगा तो दो होगा, एक सिलवासा में होगा एक महाड़ में होगा, दो होना ही चाहिए, हर जगह दो जगह लड़ेगा। और बीवी बहुत सुंदर मिलती है कन्या वालों को, क्योंकि सप्तम में शुक्र का राशि आता है उच्च राशि, शुक्र का उच्च राशि मतलब सुंदरता। और मैंने वारसे का प्लेनेट का बारे में लिखा था, इनहेरिटेंस में प्लेनेट आता है। मेरे पप्पा को पंचम में केतु है, मेरे लग्न में केतु आ गया, आता ही है ऐसा प्लेनेट आता है। अपने कुंडली से 6, 8, 12 किसी का होना नहीं चाहिए, अपनी बीवी का भी नहीं होना चाहिए। अभी उमेश जी बोलते थे कि मेरा कन्या लग्न है मीन लग्न है तो थोड़ी दूरी बनानी पड़ती है हमको, वृषभ लग्न है तो हम उन लोगों से दूरी इसलिए बनाते हैं कि हमारी कुंडली से वो 6, 8, 12 में जाते हैं। मेरे सबसे ज्यादा व्यूज कन्या को है, क्योंकि कन्या क्या करता है, बहुत परफेक्शन एक्सपेक्ट करता है, घर में साफ सुथरा रखेगा आपका घर, मैंने बोला 30-40 लोगों का खाना बनाएगा, कभी बगावत नहीं करेगा। कन्या लग्न का नौकर मिल जाए बढ़िया है, कुंभ लग्न का नौकर मिल जाए बढ़िया है, क्योंकि वो आपका बहुत बर्दाश्त कर सकता है। बर्दाश्त करने का जितना कैपेसिटी कन्या के पास है, कुंभ के पास इतना किसी के पास नहीं। ये हम इस, हाँ ऐसा है,